हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू यूनिट स्टडी करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म, और ये आज लैपलास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट लेक्चर है। और आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस यूनिट स्टार्ट किए थे और मैट्रिसेस के वीडियोज हमने आपको दिए थे। अगर आपने मैट्रिसेस के वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मैट्रिसेस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से वहां से वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले स्टडी करने हैं और ये आज लैपलास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट लेक्चर है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में लैपलास का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे। लैपलास माने क्या? सो लैपलास मींस थ्री थिंग्स, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टर। क्या होता है देखिए, लैपलास को शो किया जाता है बाय मींस ऑफ सिंबल। आप एल से शो करो लैपलास, या आप एल आप ऐसा भी लिख सकते हैं एल, ठीक है। तो ये है लैपलास का एल सिंबल। आप लैपलास ऑफ फैक्टर तो आप ऐसा लिखेंगे लैपलास ऑफ फैक्टर, दैट इज लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, आप इसको ऐसा लिखेंगे, और आप ऐसा लिखेंगे लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। अब ये लैपलास का सिंबल जो है वो एल, आप चाहे तो ऐसा निकालो चाहे तो ऐसा निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है लैपलास ऑफ फैक्टर, दैट इज लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। हमने जो अंदर लिखा है दैट इज एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी माने फैक्टर, टी माने टाइम होता है। तो फाइनली लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, तो हमने कहा था लैपलास मींस थ्री थिंग्स, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल और फैक्टर, और यही लैपलास का डेफिनेशन है। तो हम इसको लिखेंगे कि लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टर। तो ये है लैपलास का डेफिनेशन जो हमने लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लैपलास का डेफिनेशन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैपलास का। लैपलास मींस थ्री थिंग्स, ये है फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड एक्सपोनेंशियल और थर्ड है फैक्टर। इंटीग्रल इट इज अ फिक्स्ड टर्म, एक्सपोनेंशियल इट इज ऑल्सो फिक्स्ड टर्म, बट फैक्टर इट इज नॉट अ फिक्स्ड टर्म, इट कैन बी चेंज। क्या कहा हमने, इंटीग्रल हमेशा फिक्स्ड टर्म होता है, एक्सपोनेंशियल वो भी फिक्स्ड टर्म होता है, लेकिन फैक्टर फिक्स्ड टर्म नहीं होता, फैक्टर कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये देखिए यहां पे थ्री थिंग्स हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और लास्ट में ये है थर्ड। सो लैपलास मींस थ्री थिंग्स, लैपलास का डेफिनेशन दैट इज इंटीग्रल, ये एक्सपोनेंशियल और ये फैक्टर। यहां पे तीन टर्म्स है, और अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो जो एफ ऑफ टी बाहर है वही एफ ऑफ टी आपको अंदर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एफ ऑफ टी आपको बाहर भी दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ टी आपको अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो एफ ऑफ टी दैट इज फैक्टर, फैक्टर इट इज नॉट अ फिक्स्ड टर्म, इट कैन बी चेंज। फैक्टर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है। अगर आप एफ ऑफ टी का वैल्यू बाहर 1 लेंगे तो आपको अंदर भी 1 लेना पड़ेगा। अगर आप एफ ऑफ टी का वैल्यू ई टू द पावर 80 लेंगे तो आपको अंदर भी ई टू द पावर 80 लेना पड़ेगा। अगर आप एफ ऑफ टी का वैल्यू साइन 80 लेंगे तो आपको अंदर भी साइन लेना पड़ेगा, कॉस लेंगे तो कॉस लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो बाहर एफ ऑफ टी रहेगा वही एफ ऑफ टी अंदर रहेगा। तो चलो फाइनली हम एक काम करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज यहां पे पहले प्रूफ कर लेते हैं। टोटल 7 फॉर्मूलेज है, 7 में से 4 फॉर्मूलेज आज हमें स्टडी करना है, और रिमेनिंग जो 3 फॉर्मूलेज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूलेज का अर्थ क्या है, फॉर्मूलेज का अर्थ यह है कि आपको फैक्टर का वैल्यू चेंज करते रहना है, और फैक्टर का वैल्यू चेंज कर करके देखो कि उसका लैपलास क्या होता है। जैसे अगर अभी हम फैक्टर का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो हम देखेंगे कि लैपलास ऑफ 1 क्या होता है, लैपलास ऑफ 1, तो हमें क्या करना है, फैक्टर एफ ऑफ टी का वैल्यू 1 ले लेना है। अगर आप एफ ऑफ टी का वैल्यू 1 लेंगे तो देखते हैं कि लैपलास ऑफ 1 आंसर क्या आता है। फिर हम यहां पे एफ ऑफ टी का वैल्यू चेंज करेंगे और एफ ऑफ टी का वैल्यू लेंगे ई टू द पावर 80। इसका मतलब हमें फैक्टर का वैल्यू बार बार चेंज करना है। एफ ऑफ टी का वैल्यू हम पहले लेंगे 1, देन हमें लेना है ई टू द पावर 80, देन हमें लेना है साइन ऑफ 80, और लास्ट में लेना है कॉस ऑफ 80। तो फाइनली इतने फॉर्मूले जो है वो आज हमें स्टडी करना है। हमें देखना है कि 1 का लैपलास क्या होता है, ई टू द पावर 80 का लैपलास क्या होता है, साइन ऑफ 80 का लैपलास क्या होता है, कॉस ऑफ 80 का लैपलास क्या होता है, वो आज हमें स्टडी करना है। और देखते हैं कि 7 फॉर्मूलेज में से ये 4 फॉर्मूलेज इजी है या डिफिकल्ट। तो अंत तक आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि ये पूरा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फॉर्मूलेज अगर समझ में आ गए तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आएंगे, और फॉर्मूलेज अगर नहीं समझ में आए तो आपको दिक्कत जाएंगी। वैसे लैपलास का एक और डेफिनेशन होता है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दैट इज एफ बार ऑफ एस। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस, ये भी एक डेफिनेशन है। तो आगे चल के हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में, नंबर ऑफ फॉर्मूलेज में ये चीज पता होना चाहिए, हम इसका यूज करके भी आगे नंबर ऑफ फॉर्मूलेज जो है वो सॉल्व करेंगे। सो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस, ये भी आप ध्यान में रखिए, और लैपलास मींस थ्री थिंग्स, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, एफ ऑफ टी, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो चलो फर्स्ट फॉर्मूला यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला यहां स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें लैपलास ऑफ 1 फाइंड आउट
करना है। यहां पे हमने डेफिनेशन लिख के रखा है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हमें क्या करना है, फैक्टर का वैल्यू देखो, हमने फैक्टर एफ ऑफ टी की जगह यहां पे 1 लिया है। अगर आप एफ ऑफ टी का वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं तो यहां पे आप 1 लिख रहे हैं तो आपको अंदर भी 1 लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा इक्वेशन, देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऐसा बनेगा, हम यहां लिखेंगे कि लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू दैट इज थ्री थिंग्स, लैप्लास मींस थ्री थिंग्स, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टर। ये देखिए ये हमने लिखे लैप्लास ऑफ 1 दैट इज इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, हमने कहा था जो एफ ऑफ टी बाहर है वही एफ ऑफ टी अंदर है, तो बाहर एफ ऑफ टी 1 है तो अंदर भी हमने एफ ऑफ टी की जगह 1 लिखे। और अब हमें इसको सॉल्व करना है, इट मींस थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है। तो ये होगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, क्योंकि यहां पे 1 लिखना जरूरी नहीं है इसलिए हमने वो नहीं लिखे। और अब हमें e टू द पावर माइनस एस टी दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना आसान है। यहां पे होगा e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और यहां पे हम लिमिट लगा देंगे 0 टू इंफिनिटी। देखो यहां पे आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय s, क्योंकि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t का कोएफिशिएंट यहां पे माइनस s है, तो वो माइनस s यहां पे डिनोमिनेटर में आ गया। और हमने यहां पे लिमिट यहां पे रख दिए, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, और अब हमें लिमिट को पुट अप करना है। तो चलो देखते हैं कि लिमिट पुट अप करने के बाद क्या होता है। ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट t की लिमिट है, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये t का लिमिट है। तो जहां पे t का वैल्यू है वो t के जगह आपको इंफिनिटी और जीरो लिखना है। तो पहले आपको अपर लिमिट लिखना है फिर आपको लोअर लिमिट लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट लिमिट लिखना आसान है, हम यहां लिखेंगे यहां पे e टू द पावर माइनस एस टी है तो e टू द पावर माइनस एस इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं e टू द पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी डिवाइड बाय माइनस एस माइनस e टू द पावर माइनस एस इंटू जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एस। तो देखिए हमने ऐसा लिखे हैं, यहां पे हमें क्या करना है, टी का लिमिट पुट अप करना है। तो टी के जगह पहले इंफिनिटी लिखना है फिर टी के जगह हमें जीरो लिखना है। तो टी के जगह पहले हमने इंफिनिटी लिखे, ये पूरा टर्म एज इट इज है, देखो ये पूरा टर्म एज इट इज है, सिर्फ हमने टी के जगह इंफिनिटी लिखे, ये हमने अपर लिमिट लिख दिए माइनस, अब हमें लोअर लिमिट लिखना है तो टी के जगह जीरो लिखना है। तो देखो टी के जगह हमने जीरो लिख दिए, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया e टू द पावर माइनस एस इंटू इंफिनिटी माने माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए टू द पावर जीरो, ये हो गया ए टू द पावर जीरो डिवाइड बाय माइनस एस। और अब आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, देखो हम यहां पे साइड में लिख के देते हैं, बहुत ही आसान है। ई टू द पावर इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होता है तो ए टू द पावर माइनस इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप नोट पैड में फॉर्मूले लिखते चलो। तो यहां ए टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी तो ए टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो, तो यहां पे ए टू द पावर माइनस इंफिनिटी यहां हो गया जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर जीरो वन होता है तो ये भी हम फॉर्मूला आपको लिख के दे देते हैं। तो e टू द पावर जीरो वन होता है तो ये e टू द पावर जीरो की जगह वन लिखो डिवाइड बाय s, यहां का माइनस और यहां का माइनस हमने यहां पे मल्टीप्लाई करके प्लस बना दिए, और अब फाइनली ये जीरो बाय एनीथिंग जीरो तो बचा वन बाय s, तो ये हो गया वन बाय s और यही हो गया हमारा लैपलास ऑफ वन। तो फाइनली हमने लैपलास ऑफ वन फाइंड आउट कर लिए। तो बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिए, जो हमने फाइंड आउट किए वो हम यहां पे रिजल्ट में लिखते जाएंगे। हम यहां लिखेंगे लैपलास ऑफ वन दैट इज वन बाय एस। टोटल हमें चार फॉर्मूले प्रूफ करने हैं, चार में से पहला फॉर्मूला यहां पे प्रूफ हो गया वो हमने लिख दिया, और अब हमें सेकंड फॉर्मूला यहां पे प्रूफ करना है। सेकंड फॉर्मूला जहां पे हमें लैपलास ऑफ ई टू द पावर एटी निकालना है, तो देखते हैं लैपलास ऑफ ई टू द पावर एटी क्या होता है, इसका मतलब हमें फैक्टर का वैल्यू जो है अब आपको ई टू द पावर एटी लेना है। तो यहां पर हम ई टू द पावर एटी लेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला अगर प्रूफ करना है तो लैपलास ऑफ ई टू द पावर एटी का प्रूफ करना है, तो देखते हैं इसके लिए हमें फिर से यहां पर लैपलास का डेफिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो लैपलास ऑफ ई टू द पावर एटी That is Laplace means three things. तो हम लिखेंगे integral, then exponential, then यहाँ पे factor into यहाँ पे dt, और integration का यहाँ पे limit है zero to infinity. तो ये देखिए ये हमने ऐसा लिख दिए। Laplace का जो definition है उसके according यहाँ पे f of t जो रहेगा वही f of t अंदर है, तो यहाँ पे f of t अब e to the power at है तो अंदर भी e to the power at है। Laplace means three things, integral, exponential, factor. तो finally अब हम यहाँ पे इसको solve करेंगे, यहाँ पे integrate करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर आप यहाँ properly check करेंगे तो यहाँ पे exponential term दो दो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों e का multiplication करना पड़ेगा। अगर आप दोनों e को multiply करेंगे तो उसका power जो है वो add हो जाएगा, तो हम उसकी power को add करेंगे। तो देखिए ऐसा होगा जीरो टू इन्फिनिटी, यहां पे e टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू डी टी, देखिए हमने e मल्टीप्लाई किए और दोनों पावर जो है वो हमने ऐड कर दिए, तो ऐसा हो गया। और अब हम यहां पे देखिए न्यूमरेटर में सॉरी अगर आप पावर में चेक करेंगे तो देखिए t और t यहां पे दोनों जगह t है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी
e टू द पावर माइनस s प्लस a और बाहर में है t इंटू डी टी। देखिए हमने इसको ऐसा लिखे, हमने क्या किए, हमने वहां से t कॉमन ले लिए। अगर हमने t कॉमन ले लिए तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, हम इसको एक और तरह से यहां पे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस s माइनस a ऑफ t इंटू डी टी। देखिए हमने क्या लिखा, हमने यहां पे माइनस कॉमन ले लिए, तो यहां पे बहुत आसान है, हमने यहां पे माइनस बाहर ले लिए। अगर आप माइनस बाहर लेंगे तो यहां माइनस आ गया और अंदर का जो प्लस था वो माइनस हो गया। अगर आप चाहे तो यहां पे अंदर में फिर से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि वही टर्म आ रहा कि नहीं। तो देखो यहां पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एस, देन यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस ए, इसका मतलब वही टर्म आएगा। और अब हम फाइनली इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करना आसान है। यहां पे एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ये ऐसा होगा, ये देखिए ये बहुत ही आसान, हम लिखेंगे यहां पे e टू द पावर माइनस s माइनस a ऑफ t डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस a, और अब इसका लिमिट लगा दो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिए। क्या किए हमने, e टू द पावर माइनस s माइनस a ऑफ t का हमने इंटीग्रेट किए, तो e टू द पावर का इंटीग्रेशन वही का वही, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो टी का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, टी का जो भी कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ गया पूरा का पूरा, और फाइनली हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है, अब हमें यहां पे लिमिट पुट अप करना है, अपर लिमिट इंफिनिटी है, लोअर लिमिट 0 है, तो हमें लिमिट पुट अप करना है। किसकी लिमिट है, ये टी की लिमिट है, क्योंकि आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये टी का लिमिट है, तो जहां जहां पे टी है वहां वहां पे आपको लिमिट पुट अप करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको अपर लिमिट रखना है, देन सेकंड टाइम आपको लोअर लिमिट यहां पे पुट अप करना है। तो चलो यहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट अप करेंगे, तो e टू द पावर, ये देखिए हम यहां पे पहले अपर लिमिट पुट अप करेंगे, e टू द पावर क्या लिखा है, माइनस s माइनस a, तो हम लिखेंगे माइनस s माइनस a ऑफ t, t माने यहां पे इंफिनिटी और डिनोमिनेटर वही आएगा माइनस s माइनस a। तो देखिए पूरा का पूरा वही टर्म है जो यहां पे है, वही टर्म हमने यहां पे लिखे, सिर्फ हमने t के जगह अपर लिमिट यहां पे लिख दिए। अब यही टर्म हमें फिर से लिखना है और t के जगह हमें लोअर लिमिट वहां पे पुट अप करना है, तो e टू द पावर माइनस s माइनस a, लोअर लिमिट है 0 और माइनस s माइनस a, देखिए ये भी टर्म हमने फिर से वहां पे रिपीट लिखे, सिर्फ t के जगह हमने यहां पे लोअर लिमिट लिखे। तो ये देखो पूरा टर्म बाय यूजिंग अपर लिमिट, पूरा टर्म बाय यूजिंग लोअर लिमिट। और अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, e टू द पावर माइनस s माइनस a इनटू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s माइनस a, ठीक है, माइनस e टू द पावर 0, मतलब यहां पे हम सीधा सीधा 0 लिखेंगे, बिकॉज 0 इनटू एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s माइनस a। तो ये देखिए ये हमने इसको ऐसा लिख दिए, और अब हमने जैसा पिछले फार्मूले में बताए थे वही फार्मूला हम यहां लगाएंगे, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो यहां पे हम e टू द पावर माइनस इंफिनिटी यहां पे 0 लिखेंगे, 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s माइनस a, ठीक है, 0 डिवाइड बाय माइनस ऑफ s माइनस a, और ये होगा माइनस, यहां पे माइनस माइनस प्लस करा देंगे, e टू द पावर 0 माने 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a, हमने यहां पे ऐसा लिख दिए, देखिए ठीक है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो गया, क्योंकि पिछले फार्मूले में हमने बताए थे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, और अब ये 0 बाय एनीथिंग, ये पूरा टर्म 0, और बचेगा सिर्फ 1 बाय s माइनस a, तो सिर्फ जो बचा वो बचा 1 बाय s माइनस a। तो फाइनली यहां पे फार्मूला बन गया लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 का फार्मूला, ये प्रूफ हो गया कि लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 होता है 1 बाय s माइनस a, और वही फार्मूला हम यहां लिख लेंगे, लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 दैट इज 1 बाय s माइनस a। तो फाइनली बहुत ही आसानी से ये लैपलास का सेकंड फार्मूला हमने प्रूफ कर दी, और अब हम आगे बढ़ते हैं और लैपलास का थर्ड और फोर्थ फार्मूला एक साथ यहां पे प्रूफ करेंगे। लैपलास का थर्ड फार्मूला, इसका मतलब हमें लैपलास ऑफ sin 80 और लैपलास ऑफ cos 80 दोनों हमें यहां पे एक साथ प्रूफ करना है, तो चलो उसको प्रूफ करेंगे। तो फाइनली नेक्स्ट फार्मूला हमें प्रूफ करना है sin 80 और cos 80 का, तो उसके लिए आपको यूलर्स फार्मूला पता होना चाहिए। इसका मतलब यूलर्स का एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल टर्म के बीच में जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो बहुत ही आसान है। हम यहां लिखेंगे बाय यूलर्स फार्मूला, जो कि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल टर्म के बीच में फार्मूला क्रिएट होता है, e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखिए ये फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है, e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। आपने इस टाइप का फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी आपने ऐसा फार्मूला स्टडी किए होंगे, ये वही फार्मूला है, e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे थीटा को रिप्लेस करेंगे बाय मीन्स ऑफ 80, वो इसीलिए क्योंकि हमें sin 80 और cos 80 फाइंड आउट करना है, यहां sin थीटा या cos थीटा नहीं है, यहां पे 80 है, तो हमें यहां पे रिप्लेस करना है
थीटा की जगह 80, तो हम यहां पे लिखेंगे रिप्लेस थीटा बाय 80। तो आपको जहां जहां पे थीटा है वहां वहां पे 80 लिखना है। तो ये हो गया e टू द पावर i 80 इक्वल्स टू cos 80 प्लस i sin ऑफ 80। और फाइनली अब इतना रिप्लेसिंग करने के बाद, रिप्लेस होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका लैपलास लेंगे। टेकिंग लैपलास टू बोथ साइड दोनों साइड में आप लैपलास लो, तो देखते हैं क्या होगा। टेकिंग लैपलास टू बोथ साइड, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे लैपलास ऑफ e टू द पावर i 80 इक्वल्स टू लैपलास ऑफ cos 80 प्लस i sin 80। तो देखिए हमने दोनों साइड में लैपलास ले लिए, और दोनों साइड में लैपलास लेने के बाद अब ये राइट साइड में लैपलास ऑफ cos 80 और लैपलास ऑफ i sin 80 दोनों यहां पे अलग अलग लिखो। तो हम यहां पे लिखेंगे लैपलास ऑफ e टू द पावर i 80 इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे लैपलास ऑफ cos 80 प्लस i लैपलास ऑफ sin 80। तो ये देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही आसानी से हमने यहां पे इसको सॉल्व कर दिए, और अब हम यहां पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने यहां पे इसके पहले प्रूफ किए थे। हमने लैपलास ऑफ दैट इज e टू द पावर 80 हमने प्रूफ किए थे 1/s - a। देखिए ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अब हम इसके लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे। राइट साइड में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है आप लेफ्ट साइड में करना, क्योंकि राइट साइड में लैपलास ऑफ cos 80 पता नहीं क्या है और लैपलास ऑफ sin 80 पता नहीं क्या है, और वही हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 है जो कि 1/s - a है, हम उसका यूज करेंगे। लैपलास ऑफ e टू द पावर 80 अगर 1/s - a होता है तो यहां पे लैपलास ऑफ e टू द पावर i 80 क्या होगा, तो यहां पे a की जगह देखो यहां पे t का कोएफिशिएंट a है, यहां पे t का कोएफिशिएंट ये a है, तो यहां पे t का कोएफिशिएंट i a है। अगर यहां पे t का कोएफिशिएंट a है तो यहां पे a आ गया, तो अगर यहां t का कोएफिशिएंट i a है तो यहां पे i a आ जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूले से अगर प्रूफ करेंगे तो ये ऐसा होगा, तो ये होगा 1/s - ia। देखिए हमने इसको लिखे 1/s - ia और राइट साइड में लैपलास ऑफ cos 80 प्लस i लैपलास ऑफ sin 80, ये बिल्कुल वही का वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो देखिए राइट साइड में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, राइट साइड का जो टर्म्स है वो बिल्कुल एज इट इज है, बस हमने लेफ्ट साइड में यहां पे सॉल्व किए। यहां पे लेफ्ट साइड में लैपलास ऑफ e टू द पावर i 80 है, तो हमने उसका लैपलास ले लिया 1/s - ia, क्योंकि हमने इसको इसके साथ कंपेयर किए, t का कोएफिशिएंट a है तो यहां a आया, अब यहां t का कोएफिशिएंट ia है तो यहां पे ia आया। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय s प्लस ia। तो हम देखो यहां पे लिखेंगे 1/s - ia, ये जो टर्म है ये तो एज इट इज रखो, बस इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करो s प्लस ia से। देखिए s प्लस ia से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो देखते हैं इसके बाद इसका क्या होगा। और राइट साइड बिल्कुल सेम है, तो देखो राइट साइड बिल्कुल सेम टू सेम है, हमने राइट साइड में कुछ भी सॉल्व नहीं किया, हमें सिर्फ लेफ्ट साइड में सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड में हमने क्या किए, मल्टीप्लाई डिवाइड किए बाय एस प्लस आई ए, एस प्लस आई ए से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किए। अब हमने ऐसा क्यों किए, उसका रीजन हम बताते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहां पर हमें एस माइनस आई ए और यहां एस प्लस आई ए मिला, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा यह हुआ कि यहां पर हमें नीचे मिल गया s² - i² a² देखो हमने इसको ऐसा लिखे, अब ये कैसे आया, ये बहुत ही आसान है। और न्यूमरेटर रहेगा s प्लस आई ए, न्यूमरेटर में जो है 1 × s + ia, ये वही का वही है। और राइट साइड बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, जो हमने लिखे थे वही। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे राइट साइड बिल्कुल सेम है, लेफ्ट साइड में हमने क्या किया 1 × s + ia, ये तो न्यूमरेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर में s² - i² a² कहां से आया, तो उसके लिए फार्मूला आपको पता है। यहां पे देखिए हमने कौन सा फार्मूला यहां पे अप्लाई किया, फार्मूला शायद आपको पता होगा, ये फार्मूला बहुत ही आसान है, दैट इज a² - b² = a + b, a - b होता है। ये बहुत ही आसान फार्मूला है, नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये फार्मूला सुने होंगे, a² - b² = a + b, a - b होता है, वही हमने यहां लगा दिए। तो ये देखिए a - b, a + b के फॉर्म में है, इसका मतलब ये फॉर्म में है a + b, a - b के फॉर्म में। तो अगर ये a + b, a - b के फॉर्म में है तो उसके जगह आप a² - b² लिख सकते हैं, तो वही हमने यहां लिखे। a के जगह s है तो हमने a² - s² लिखे, और b के जगह ia है तो b² - i² a² ऐसा हमने लिखे। तो फाइनली हमने डिनोमिनेटर ऐसा लिखे। अब ये सब लिखने का फायदा क्या हुआ, ये लिखने का फायदा ये हुआ कि यहां पे हम i² का वैल्यू अब लिख सकते हैं। i² का वैल्यू होता है -1, ये स्टैंडर्ड है, इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर अगर कभी भी हो तो उसका वैल्यू हमेशा -1 होता है। तो यहां i² की जगह हम -1 लिखेंगे, तो ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और फाइनली ये इक्वेशन ऐसा बनेगा s + ia /
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम रहेगा लैपलास ऑफ कॉस ए टी। तो देखिए राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम है, लेफ्ट साइड में सिर्फ हमने क्या किया यहां आई स्क्वायर की जगह हमने माइनस वन लिखे क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, ये भी हम यहां लिख के देते हैं आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आई स्क्वायर है तो उसकी जगह हमने माइनस वन लिखे, माइनस इंटू माइनस वो हो गया प्लस, तो यहां पर ये इस तरह से आ चुका है। और अब हम यहां पर इसको एक्सपांड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड करेंगे तो एक्सपांड करने के बाद देखिए क्या बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे s by s square plus a square, ये हमने पहला टर्म लिखे plus i a plus i a by s square plus a square और राइट साइड में बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए ये हमने इसको ऐसा लिखे और यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे हम राइट साइड में कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे सिर्फ हम लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे लेफ्ट साइड में हमने यहां पे s प्लस आई ए को हमने यहां पे स्प्लिट किया है, s का टर्म हमने अलग लिखे और आई ए का टर्म अलग लिखे, दोनों का डिनोमिनेटर देखो दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। और अब हम यहां पर आसानी से इक्वेटिंग करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को हम इक्वेट करेंगे, तो अगर आप इक्वेट करेंगे तो यहां पर आपको सीधा सीधा दिख जाएगा रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट करो और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ इक्वेट करो, आपको इक्वेट करना है LHS RHS को, तो ये रियल टर्म है क्योंकि इसमें आई नहीं है और इसमें इमेजिनरी टर्म है क्योंकि ये इसमें आई है इसलिए वो इमेजिनरी टर्म है, तो रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट करो और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ इक्वेट करो, तो आपको यहां पे फार्मूला बिल्कुल क्लियर कट यहां पे दिख जाएगा। तो यहां पे रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो लैपलास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू आएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पे फार्मूला यहां पे क्रिएट हो गया कि लैपलास ऑफ कॉस ए टी एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो हम यहां पे इजीली लिख सकते हैं कि लैपलास ऑफ कॉस ए टी दैट इज एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और उसी तरह से अगर आप इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करेंगे तो यहां पे इमेजिनरी टर्म इसका मतलब यहां का आय और यहां का आय, यहां पे क्या है लैपलास ऑफ साइन ए टी है, अगर ये लैपलास ऑफ साइन ए टी है साइन ए टी को ये वाले टर्म से मतलब आय को आय के साथ इक्वेट करो तो आपको पता चल रहा है कि लैपलास ऑफ साइन ए टी हो रहा है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम यहां पर लिखेंगे यहां पे a by s square plus a square, तो फाइनली यहां पे फॉर्मूला यहां पे धीरे-धीरे प्रूव हो रहा है और ये प्रूव हो गया। देखो लैपलास ऑफ sin at हमें मिल गया a by s square plus a square और लैपलास ऑफ cos at मिल गया s by s square plus a square, इक्वेटिंग करें, इक्वेटिंग करने के बाद हमें यहां पता चल गया कि लैपलास ऑफ cos at s by s square plus a square है, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट किए और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ इक्वेट किए तो हमें लैपलास ऑफ sin at भी मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये लैपलास का फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, टोटल लैपलास की 7 फॉर्मूलेज हैं, 7 में से हमने 4 फॉर्मूलेज यहां पे प्रूफ कर दिए, अब बचे हैं रिमेनिंग 3 फॉर्मूलेज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।